राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर के बाहर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर दुकानें संचालित करवाई जा रही हैं। दुकानों के अलावा तहसील में काम लेकर के आए लोगों के वाहन भी बाहर ही सड़क पर बेतरकीब खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को आए दिन जाम का सामना करना पड़ रहा। राहगीरों श्रवण कुमार, राजेंद्र कुमार, फूलचंद, रमेश, शैलेंद्र, दिनेश कुमार ने बताया कि जब से तहसील यहां पर आई है तब से सरोजनी नगर तहसील प्रशासन ने अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाने के लिए अलग जगह निर्धारित कर दी है। इसके बाद अवैध तरीके से लोगों ने तहसील भवन के बाहर सड़क के किनारे पड़ी खाली जगह पर कब्जा कर दुकानों का संचालन करना शुरू कर दिया। तहसील भवन के सामने बोनवाल इंजीनियरिंग कॉलेज से आए दिन परीक्षाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से यहां पर परीक्षार्थियों का आवागमन ज्यादा रहता है, लेकिन मुख्य सड़क पर अतिक्रमण की बदौलत लगने वाले जाम की वजह से यहां आने वाले परीक्षार्थियों को खासी मुसीबत झेलनी पड़ती है। तहसील के बाहर अतिक्रमण किए जाने की नोटिस पूर्व में भी भेजी जा चुकी है। तहसील भवन के बाहर अतिक्रमण की जानकारी के लिए जब जोन 8 के जोनल अधिकारी अजीत राय को फोन किया गया तो उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। Let's go.